नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। माकपा के वरिष्ठ नेता तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व नगर विकास मंत्री अशोक भट्टाचार्य की पत्नी रत्ना भट्टाचार्य का निधन हो गया। बुधवार सुबह ही हुआ है निधन। उनका निधन कोलकाता के एक निजी अस्पताल में हुआ है। उनके शव को सिलीगुड़ी उनके मूल वास स्थान लाया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वही पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़ोतरी हुई है। कई राज्यों में इसके दाम 100 से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। संक्रमण के कारण मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़े मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16,156 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान 733 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा भारत में अब कोरोना के 1,60,989 सक्रिय मरीज बचे हैं, जो कि 143 में सबसे कम है। रोहिंग्या किसी का वोट बैंक नहीं है, बल्कि वह देश का सर्वनाश करने आ रहे हैं और वर्तमान की राज्य सरकार उसकी मदद कर रही है। गुरुवार को चाय पर चर्चा के दौरान यह बात भाजपा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश की 1000 किलोमीटर की सीमा इलाके में बाड़ नहीं लगाया गया है और इसका फायदा लेकर वह राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। वह पूरे देश में फैल गए हैं और अपराध तथा असामाजिक गतिविधियों में लुप्त हो गए हैं। दीपावली से पहले जयगांव आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर सतली चाय बागान में छापेमारी कर कुल 52 कार्टून विदेशी शराब बरामद की। आबकारी अधिकारी ने कहा कि जयगांव में दिवाली त्योहार से पहले शराब बिक्री के लिए रखी जा रही थी। घटना की जांच की जा रही है। बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद कोविड 19 की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। तेजी से संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को राज्य में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के 976 नए मामले सामने आए हैं, जो करीब 10 दिन पहले यह संख्या 443 थी। भीषण आग में जूते की दुकान जलकर खाक हो गई। चोपड़ा थाना के कालागंज में बुधवार की रात इस तरह की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह दुकानदार रात को अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। स्थानीय दुकानदार सूजन पाल ने कहा कि दुकान से भारी धुआं निकलता देखकर वह हैरान हो गया। घटना की सूचना इस्लामपुर फायर ब्रिगेड के साथ चोपड़ा थाना की पुलिस को दी गई। हालांकि स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं दिखाई दी। दुकान के मालिक कृष्णापद सरकार ने बताया कि आग में 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान जल गया है। अगर स्थानीय लोगों ने सहायता नहीं की होती तो नुकसान बहुत अधिक होता। हेडलाइंस टुडे में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संघ परिवार। अंकिताज केक्स एंड कैफे, एमजी रोड, भीड़ 12। कॉन्टेक्ट नंबर 9434016803।
साउथ इंडियन खाने का बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथ ही मूड, तो अभी ऑर्डर करे स्विगी या जोमेटो से। कॉन्टेक्ट करे 9434751555 पर। और याद रखे सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान, इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मो, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400.